चलिए देखते हैं प्रश्न एक में क्या लिखा है। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यह भिन्न के रूप में लिखा है, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखा है। अब इसका हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक और हरों का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो अब हमको भिन्नों का क्या मिलेगा, लघुत्तम समापवर्तक। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें अंशों का क्या निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक बटे हर जो दिया है, हरों का महत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे तब हमको क्या मिलेगा, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। बराबर क्या कह सकते हैं हम, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, तो चलिए निकालते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले 1, 2, 5, 4 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। क्या करेंगे, 1, 2, 5, 4 इसका क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं इसका हम सबसे पहले। तो 2 से 2 1 कम 2, 5 उतर जाएगा, 2 दूने 4। फिर से 2 से 2 1 कम 2, 5 उतर जाएगा, और ये तो 1 उतरते ही जाएगा ना कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 से 5 1 कम 5, बाकी सारे 1 नीचे उतर जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, 5 दूने 10, 10 दूने 20, तो इसका अंशों का लसा कितना आ गया, 20। ठीक है, बटे हमको हरों का मौसा चाहिए ना, तो हरों का मौसा निकालते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, 3, 9, 6, 27 इसका क्या निकालना है, मौसा निकालना है ना। तो यहाँ पास 3 एक ऐसा संख्या दिख रहा है जिसमें जिसका पहाड़ा सब में जाएगा। तो 3 1 कम 3, 3 3 या 9, 3 2 6, 3 9 27। ठीक है, अब इसके आगे कोई संख्या दिख रहा है का कि जिसका हम क्या करें, पहाड़ा पढ़ें तो सभी में जाए, है ना। तो नहीं दिख रहा है, हम लोग किसी का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तो सभी में नहीं जाएगा, इसलिए हमारे पास 3 क्या हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा। मतलब हरों का मौसा क्या मिल गया हमको, 3 मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3। तो ये 20 कहाँ से आया, अंशों का लसा निकाला हमने तो 20 आया, और हरों का मौसा निकाला तो 3 आया। तो 20/3 यही क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये भिन्न जो दिया है उसका लसा क्या हो जाएगा, 20/3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ, दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लिखा ले लेते हैं क्या कि 22, 54, 108, 135 का लसा क्या है। ठीक है, क्या करेंगे प्रश्न दूसरा। ठीक है, क्या करेंगे, 22, 54, 108 तथा 135 का ल स। ठीक है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, इसका मतलब हम इसको गुणनखंड करेंगे। क्या, 22, 54, 108, 135। ठीक, चलिए गुणनखंड करके देखते हैं, 2 से ही करके देख लेते हैं, या तो बड़े संख्या से करना चाहेंगे तो हमारे पास बड़ा संख्या 22 है ना, तो 2 से ही करके देख लेते हैं। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। यहाँ पर 5 है तो 2 का पहाड़ नहीं जाएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर
हम क्या करना पड़ेगा, दो से कर रहे थे हम तो दो से ही कम्प्लीटली कर लेते हैं। 11 उतर जाएगा, 27 भी उतर जाएगा, 2 2 4, 2 7 14 और 135, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद अब इसमें किसी भी यूनिट डिजिट में 2 नहीं है, इसलिए हम 3 ले लेंगे। 11 नीचे उतर जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 4 12 हो जाएगा, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा, ठीक है क्या। चलिए और देखते हैं, अब 3 से अभी और जाएगा, 11 उतर जाएगा, 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3, 1 बचा यहाँ से, 15 हुआ, 3 5 15, ठीक है। इसके बाद फिर से 3 से ही पढ़ेंगे, 11 नीचे उतर जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 5 1 5, और बाकी उतर जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फिर से अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ 11 बचा है तो 11 से 11 1 11, तो ये सब हम क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं, लसा निकाल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 2 2 3 3 3 5 11, 3 बार 3 2 बार 2 2 बार 2, 3 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 11, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 22 54 108 और 135 का क्या मिल जाएगा, लसा मिल जाएगा। तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 3 कितना हो जाएगा, 30 3 90, 6 3 18, 108, 108 का गुणा फिर 5 से करेंगे तो 108 गुणे 5 मतलब 500 और 8 5 40, तो 540, और 540 का गुणा फिर 11 से करेंगे तो क्या करेंगे, 540 × 11, तो क्या हो जाएगा, 1100, 11 4 44 4, हाँसी लाया 4, और 11 5 55, 55 और हासिल 4 59, तो 5940 ये जो आ रहा है ये क्या है, आपका LCM है। किसका LCM है भाई, 22, ये वाला 22 54 108 और 135 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया, 5940, ठीक है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 14 तथा 16 के लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या लिखेंगे। प्रश्न तीसरा, ठीक है, क्या करेंगे, 14 तथा 16 के लस व मस, लस व मस का गुणनफल, ठीक है, का क्या चाहिए अपने को, गुणनफल, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है कि लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमको गुणनफल चाहिए ना, 14 तथा 16 के लस व मस का गुणनफल। तो सूत्र क्या है, सूत्र है, देखिए सूत्र के आधार पर बनेगा, कैसे बनेगा कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर किसके बराबर हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। अब वहाँ पर हमारे पास संख्या क्या क्या दिया है, दो संख्या दिया ही है, 14 तथा 16,
और 14 तथा 16 दो संख्या दिया है, तो जब हम क्या करेंगे, 14 का गुणा 16 से करेंगे तो बराबर हमको क्या मिल जाएगा, लस गुणित मस। तो 16 का हम क्या करेंगे, 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, 64 का 4, हाँ सिलाया 6, 16 एकम 16, 16 और 6 22। ये तो ये जो 224 आ रहा है ये लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं इसी को, 14 तथा 16 के लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 14 तथा 16 का लसा निकालेंगे और फिर मसा निकालेंगे और फिर गुणा करेंगे, जबकि ये गलत तरीका है। सही कैसे बनेगा, सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो सूत्र के आधार पर हमको पहली संख्या भी दिया है, दूसरी संख्या भी दिया है, तो मैं जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर हमको लघुत्तम समापवर्तक का महत्तम समापवर्तक का मल्टीप्लीकेशन मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, और वही तो हमसे पूछ रहा है, लसा और मसा का गुणनफल तो पूछ ही रहा है। तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 224। अब ये 224 क्या है, आपका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का क्या है, गुणनखंड है, मतलब गुणनफल है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।